We're days away from the Tokyo Olympics, and as our contingent gets ready for glory, we have someone very special joining us to talk about her preparations before this big event. She's just 25 and this is her second Olympics already. She was the first Indian to win a gold medal in the 100-meter race in a global competition and the only third Indian woman to ever qualify for the women's 100 meters event at the Summer Olympics Games. We have with us Dhuti Chand, who's representing India at Tokyo for 100 and 200. मीटर्स. दूती, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए. आप कैसी हैं, तैयारी कैसी चल रही है? पहले सभी को मेरे तरफ से नमस्कार. मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है. 100 मीटर स्प्रिंट में तो वर्ल्ड लेवल एथलेटिक में दो बार ओलंपिक खेलना इतना आसान नहीं है. मेरा सौभाग्य है मैं सेकेंड ओलंपिक जा रही हूँ. 2016 में रियो ओलंपिक में हिस्सा लिया था 100 मीटर में, और इस बार दो इवेंट में हिस्सा ले रहा हूँ. 100 मीटर 200 मीटर में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ भारत को टोक्यो में. मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है. अभी प्रिपरेशन के बारे में बताएंगे तो तैयारी बहुत अच्छी तरह से किया मैंने. 2020 नवंबर से मैं ट्रेनिंग शुरुआत की थी. नवंबर से लेके पूरा कंटिन्यू मैं ट्रेनिंग जारी रखा था जून एंड तक, क्योंकि जून एंड ही इसका लास्ट क्वालिफाइड टाइम था. जो टाइमिंग दिया गया था 11.15, उसको तो कवर करने के लिए बहुत बार कोशिश किया था, लेकिन कोविड सिचुएशन के वजह कोई कंपटीशन मुझे नहीं मिला. बाहर कंट्री का जाने का भी परमिशन नहीं मिला. बाहर कंट्री का कोई कंपटीशन या ट्रेनिंग का भी जाने के लिए मुझे वीजा भी नहीं मिल पाई. इसलिए मैं हमेशा कोशिश करती रही कि कहाँ पे भी एक 11.15 टाइमिंग कवर करना है, लेकिन हो नहीं पाया. लेकिन लास्ट मोमेंट में रैंकिंग के हिसाब से मैंने को 100 मीटर 200 मीटर दोनों में चांस मिल रहा है टोक्यो जाने के लिए. और प्रिपरेशन के बारे में तब बता रही हूँ कि बहुत अच्छी तरह से किया मैंने. सुबह 6 से लेकर 10 बजे तक, फिर 11 से 12, फिर शाम को 4 से लेकर 6 बजे तक लगभग 6-7 आवर ट्रेनिंग होता रहता था हर दिन. और मेरे कोच जो है नागपुर रमेश सर, जिस तरह मुझे गाइड कर रही थी उस तरह का मैं ट्रेनिंग को फॉलो कर रही थी. बेसिकली हमारा ट्रैक वर्कआउट, जिम वर्कआउट, स्विमिंग पूल वर्कआउट, बहुत सारा योगा वगैरह भी करना पड़ता था. ट्रेनिंग तो बिल्कुल आसान नहीं है. दूती, मैं आपके क्वालिफिकेशन के बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ. इस बार क्वालिफिकेशन इतना आसान नहीं था, डायरेक्ट क्वालिफिकेशन नहीं हुआ, बट रैंकिंग्स के बेसिस पर क्वालिफिकेशन हुआ. आपकी ओवरऑल जो पोजीशन है वर्ल्ड नंबर 44 है 100 मीटर्स में और वर्ल्ड नंबर 51 है 200 मीटर्स में. क्वालिफिकेशन में क्योंकि जो इतनी प्रॉब्लम्स आई इस बार, उसलिए आपको लग रहा है कि आपकी तैयारी और भी ज़्यादा होनी चाहिए? IOC के रूल के हिसाब से अभी इस बार तो टाइमिंग या नहीं तो रैंकिंग के हिसाब से क्वालिफाई कर सकते हो, लेकिन रैंकिंग के बारे में बताएंगे तो रैंकिंग में रहना बहुत मुश्किल है, बहुत दिक्कत है. क्योंकि रैंकिंग का जो नंबर दिया जाता है हमको सिर्फ इंटरनेशनल लेवल में जो भी कॉम्पिटिशन खेलेंगे इसके हिसाब से हमको मार्क दिया जाता है, और टोटल मार्क रहता है 1500 में आपको जितना रखेंगे उसी हिसाब से रैंकिंग में जाएंगे. मुझे याद है फेब्रुअरी महीना में मेरा 1400 मार्क था, इसलिए मेरा रैंकिंग 23 रैंकिंग में चल रही थी मैंने. लेकिन धीरे धीरे जब कंपटीशन में होते नहीं रहा तो पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाई, जिस कारण से मेरा रैंकिंग धीरे धीरे बढ़ते जा रहा. तो कोई कंपटीशन होता तो कम से कम 11.15 करके टाइम में क्वालिफाई हो जाना था. लेकिन रैंकिंग को मेंटेन करके रखना और कोई कंपटीशन नहीं मिल रहा, बहुत दिक्कत हो रहा था उस टाइम में. माइंड में वही ख्याल चल रहा था कि मैं शायद रैंकिंग के हिसाब से भी नहीं जा पाऊंगी तो फिर इस बार मेरा टोक्यो ओलंपिक नहीं हो पाएगा. लेकिन लास्ट मोमेंट में जब पटियाला में हुआ इंडियन ग्रैंड प्री 4, इसमें मैंने अच्छा प्रदर्शन किया, न्यू नेशनल रिकॉर्ड बनाया मैंने, और खुद का व्यक्तिगत टाइम भी अच्छा किया मैंने, पर्सनल बेस्ट किया 11.17 02 माइक्रो सेकंड के लिए. क्वालिफाई तो नहीं हुआ टाइम के हिसाब से, लेकिन वो टाइम के लिए मुझे रैंकिंग में अच्छा पोजीशन दे दिया, जिस कारण से मुझे क्वालिफाई करने के लिए मौका मिल गया. जी दूती, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, प्रधानमंत्री ने आप सबसे बात करी, प्रधानमंत्री के साथ बातचीत कैसी थी? मुझे तो बहुत सौभाग्य है कि देश का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सर को से बातचीत हुआ, और मेरी संघर्ष कहानी के बारे में उन्होंने पूछा. मैंने सारी संघर्ष कहानी बताया. मैं भी इनको उस टाइम में ही बताया कि आपके जैसे मेरी संघर्ष कहानी सेम है. उन्होंने भी मामूली परिवार से आके बचपन के टाइम में बहुत स्ट्रगल करके आज देश का प्राइम मिनिस्टर बनी. ऐसे मैं भी एक गरीब फैमिली से आके मैंने भी बहुत स्ट्रगल करके बहुत मेहनत करके आज देश का नंबर 1 बन रही हूँ. तो मुझे बहुत अच्छा लगा. उन्होंने एक बात पूछा कि दूती का अर्थ है चमक, तुम खेल में बहुत अच्छा चमक करके देश का नाम रोशन कर रहे हो. ऐसा सब लोग होपफुल रहे कि टोक्यो में भी अच्छा परफॉर्मेंस करो और देश को चमक की तरह चमकाओ.
तो मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा, बहुत हौसला मिला, बहुत मोटिवेट भी हुई मैंने। पूरा उम्मीद है कि टोक्यो में इस बार बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करूंगी, कि बहुत ही सारी दुनिया के जितने सारी जनता है सबका आशीर्वाद मेरे ऊपर है, मोदी सर का भी आशीर्वाद है, शुभेच्छा है, तो मेरा उम्मीद है कि मैं परफॉर्मेंस अच्छा करूंगी। बिल्कुल, यही हम सबकी आशा भी है। दूती, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, हर एथलीट का सपना होता है कि वो ओलंपिक्स में क्वालिफाई करें। आपका दूसरा ओलंपिक्स है, कितना इम्पोर्टेंट है ये टूर्नामेंट? मतलब टोक्यो ओलंपिक तो बहुत बड़ा चैलेंज मेरे लिए, क्योंकि हर सपना पूरा नहीं होता है हर खिलाड़ी लोग का। ओलंपिक में मेडल लेना इतना आसान नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज में हिस्सा लेते हैं और बहुत सारे कंट्रीज से अच्छा अच्छा एथलीट लोग आते हैं, जिनका बेसिकली 100 के बारे में बताएंगे तो 100 में बहुत सारे ऐसे लड़कियाँ हैं, एथलीट है जिनका पर्सनल बेस्ट 10.5, सॉरी 10.8, 10.9, 11.8 के बीच में रेंज में रहते हैं। इनके साथ फाइटिंग करके मेडल हासिल करना इतना आसान नहीं है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैं जो पर्सनल बेस्ट दिया है अभी 11.17, इससे और बेटर थोड़ा करूंगी, 11.10 करूंगी तो टोक्यो ओलंपिक में मैं सेमीफाइनल तक पहुंच सकती हूँ। तो ऐसे उम्मीद लेके जा रहे हैं टोक्यो ओलंपिक में, लेकिन पूरी तरह से मैं चैलेंज की तरफ कॉम्पिटिशन करूंगी हिम्मत के साथ। जो होगा तो भगवान के आशीर्वाद हैं, जो सही होगा। क्योंकि इस बार जो इवेंट है वो बहुत अलग है कोविड प्रोटोकॉल्स के कारण, तो इस बार सिर्फ फिजिकल प्रिपरेशन नहीं, मेंटल प्रिपरेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट होगी। और ओलंपिक के भी जो रूल रेगुलेशन गाइडलाइन दिया गया है, इसको सुन के भी एथलीट डर जाएंगे, क्योंकि उन्होंने दिया है कि 7 डे कंटिन्यूस कोविड टेस्टिंग करा जाएगा, जिसी का भी नेगेटिव आएगा तो वही ओलंपिक को जा सकता है, जिसका पॉजिटिव होगा वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी, चाहे जितना भी अच्छा टाइम करो। वो भी एक डर है, और अंदर जाके 17 7 डेज क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा, बहुत सारा रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा, दूसरा कंट्री बच्चों से बातचीत नहीं करना है, ऑफिशियल से बातचीत नहीं करना है, हमेशा प्रोटोकॉल के हिसाब से रहना है, फेस में मास्क 24 आवर्स पहन के रखना है, बहुत सारे ऐसे रेगुलेशन लगा है। जब तक हम नेगेटिव रिपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक आपको एंट्री भी नहीं मिलेगा ट्रैक के अंदर, तो बहुत सारे रेगुलेशन है, इसको सुनकर डर लगता है, इसलिए कि हम तब अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, क्वालिफाई भी करते हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट में बॉडी का ख्याल कैसा रहेगा हमको पता नहीं, कि वायरस ऐसा चीज है किसी को भी किसी टाइम में भी अटैक कर सकते हैं, तो इससे बचने के लिए हमको बहुत सारा प्रोटोकॉल को ध्यान में रखना पड़ रहा है। तो अभी तो ट्रेनिंग में गोपीचंद एकेडमी में कर रहा हूँ, लेकिन मेरा बॉडी को ज्यादा ख्याल रख रहा हूँ, लेकिन ये मेरे लिए बहुत बड़ा क्रिटिकल होगा ये ओलंपिक, क्योंकि रियो के टाइम में कोई रेगुलेशन नहीं था, सिर्फ प्रेजर शिफ्ट कॉम्पिटिशन के ऊपर था कि मुझे परफॉर्मेंस अच्छा करना, लेकिन इस बार तो पहले पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत प्रेजर आ रहा है कि मैं कर पाऊँ या नहीं, क्योंकि कोविड सिचुएशन चल रहा है, हम फ्लाइट में जाएंगे और उधर रुकेंगे, बहुत सारा रेगुलेशन है इसको फॉलो करेंगे, तो बहुत थोड़ा मन में थोड़ा नर्वसनेस है। क्योंकि जैसे आपने कहा कि रियो से बहुत अलग होगा, रियो में आपको एक मेडल नहीं मिला बट एक एक्सपीरियंस ओलंपिक्स का मिला, कितना सीखा आपने रियो के एक्सपीरियंस से? मेरा तो सौभाग्य है कि 36 ईयर के बाद पीटी उषा दीदी के बाद मैंने 100 मीटर में मैं रिप्रेजेंट किया था भारत को जो रियो ओलंपिक में, और इससे पहले भी बहुत कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ता था मुझे, क्योंकि ऑलरेडी हाइपर जंप केस चल रहा था स्विट्जरलैंड कोर्ट में, और मेंटली हैरेसमेंट भी हुई थी उस टाइम में, फिजिकल भी इतना स्ट्रांग नहीं था, अच्छी तरह से ट्रेनिंग भी नहीं कर पाती थी मैंने, लेकिन उस टाइम में बहुत कॉम्पिटिशन भी जैसा इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन भी पार्टिसिपेट नहीं किया था मैंने, लेकिन अभी देखेंगे तो 6 4 5 साल के बाद बहुत कुछ चेंजेस हुआ है, बहुत बड़ा बड़ा कॉम्पिटिशन से मैंने हिस्सा लिया है, एशियन गेम, एशियन चैंपियनशिप, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम, वर्ल्ड चैंपियनशिप, बहुत बड़ा बड़ा मेगा टूर्नामेंट में भाग लिया मैंने, और अच्छा प्रदर्शन करके मेडल भी हासिल किया है, बहुत सारा एक्सपीरियंस है मेरे अभी अंदर में, तो टोक्यो ओलंपिक में वही एक्सपीरियंस को यूज करेंगे, किस टाइम में कॉल रूम में पहुंचना है, बॉडी को किस तरह से प्रिपरेशन करना है। दूती, जैसे आपने कहा कि पैंडेमिक के कारण आपको बहुत सारा पार्टिसिपेशन नहीं हो पाया है ग्लोबल इवेंट्स में, बट नेशनली आपने एक नया रिकॉर्ड सेट किया है 100 मीटर्स में 11.17 सेकेंड्स के साथ, उससे आपको कितना मोटिवेशन मिला है? अभी तो IOC और सीनियर एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया ने ऐसे रूल निकाला, कोई भी एथलेटिक कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करेंगे पहले क्वालिफाई मार्किंग को कवर करना पड़ेगा। इंडिया में बेसिकली जब आप नेशनल लेवल में पार्टिसिपेट करेंगे तो आपका पर्सनल बेस्ट 11.8 के रेंज में, 11.80 की रेंज में होना चाहिए, और IOC ने लगाया कोई भी एशियन गेम हो, एशियन चैंपियनशिप, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम या ओलंपिक में, तो आपको 11 जो टाइमिंग टारगेट दिया था इसको पहले कवर करना पड़ता है।
तो टाइम के हिसाब से तो क्वालिफाई करना पड़ता है, नहीं तो पूरी आपको पार्टिसिपेट करने के लिए मौका नहीं मिलेगा। बेसिकली अभी रिसेंटली देखेंगे तो बहुत अच्छी प्रदर्शन किया मैंने 100 में 11.17। हर साल मैं कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट करता हूँ, परफॉर्मेंस को बढ़ाती हूँ मैं। आप देखेंगे तो 2012 जो 12 में 11 सॉरी 12.50 में भागती थी मैंने, लेकिन आज धीरे धीरे कम कम कर करके आज मैंने 11.17 तक पहुंचा मैंने। ये तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिल रहा है कि मैं ओलंपिक में इससे भी और बेटर कर सकती हूँ। जब वो पटियाला ग्राउंड में कोई नहीं थे, ट्रैक भी इतना सपोर्टिंग नहीं था, हार्ड ट्रैक था, हार्ड ट्रैक में 11.17 भागा तो ओलंपिक टोक्यो ट्रैक तो और से बेटर होगा, वो मोंडो ट्रैक में रहेगा, बहुत अच्छा अच्छा फाइटर भी रहेंगे। तो मेरा पूरा उम्मीद है कि मैं 11.10 में भाग सकती हूँ उधर। दूती, हर एक एथलीट का, हर एक स्पोर्ट्स पर्सनालिटी का एक अपना इंडिविजुअल टारगेट भी होता है। आपने अपने लिए कोई एक स्पेसिफिक टाइमिंग, स्पेसिफिक टारगेट सेट करा है? मन में तो वही टारगेट रखा है जो मैंने पहले बताया कि 11.10 का टारगेट रखा मैंने, तो वो टाइम में ओलंपिक में हासिल करूंगी तो सेमीफाइनल तक मैं पहुंच सकती हूँ। क्योंकि यूरोप कंट्री से जो एथलीट आएंगे, जामाइका से जो एथलीट आएंगे, इनका तो पर्सनल बेस्ट 10.6 10.7 10.8 रहेगा। इतना रेंज तो मेरा बॉडी का नहीं है, मेरी बॉडी के हिसाब से कोच साहब बताती है आप 11.10 तक आप बॉडी अभी चला सकते हो। तो अभी 11.17 किया है रिसेंटली, तो मेरा पूरा उम्मीद है अभी 20 दिन बाकी है, 20 दिन में और बॉडी को भी तैयार कर रहा हूँ अभी, जो जो कमियां रह गया बॉडी में इसको पूरा कर रहा हूँ अभी। तो मेरा उम्मीद है 11.10 टारगेट लेके जाऊंगी, तो उधर कोशिश करूंगी वो इसको हासिल करने के लिए। बिल्कुल दूती, हम सब की भी यही प्रेयर्स और विशेस हैं कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म करें। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।